नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे बढ़ती महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज एक दिवसीय उपवास किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड काल में प्रदेश सरकार के अंदर व्यवस्था बनाने में नाकाम वो साबित हुई है। आम जनता को खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी चीज खरीदने में महंगे दाम देने पड़ रहे हैं, वहीं पर वह किसी से भी सवाल नहीं कर सकती है। कालाबाजारी होने के चलते सभी चीजें महंगी हो चली हैं। नरेंद्र नगर और विकास खंड देवप्रयाग के बौठ गांव में बादल फटने से कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। मकान से लेकर खेत की जमीन तक सब कुछ बर्बाद हो गया। इस घटना को बीते हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। पीड़ित की परेशानी को देखते हुए क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकान और खेत के लिए पूरा मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ में पीड़ित परिवार ने यह भी जानकारी दी है कि उन्हें मुसीबत के समय कोई भी राहत का पैकेज नहीं मिल पाया है। कलियर में पीरान थाना क्षेत्र के बेडपुर गांव में एक मकान में एनसीसी आरएमसी प्लांट द्वारा काफी समय पहले टेंडर लगाया गया था, लेकिन अब भारी बारिश की वजह से लिंटर टपकने लगा है। परेशानी झेल रहे परिवार ने कहा है कि प्लांट वालों की गलती की वजह से ये हुआ है और उसका पूरा नुकसान हुआ है। इसलिए व्यक्ति की मांग है कि परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सितारगंज में ऑक्सीजन सेंटर चलाने वाली यूथ कांग्रेस की टीम ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन सेंटर चलाने में सामाजिक संस्था उनकी मदद कर रहे हैं और हर एक आर्थिक सहायता का लेखा जोखा उनके पास मौजूद है, इसलिए उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भगवानपुर के जहाजगढ़ में 21 मई को फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्णराज ने बताया है कि हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। साथ ही एसएसपी ने यह भी बताया है कि मुख्य आरोपी के साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। तारीख को जो घटना हुआ है, इसका जो मुख्य अभियुक्त अक्षित जो है, इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। इसका 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस हमने रिकवर किया है। इनका आगे कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय की मदद। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते देश और प्रदेश में ब्लड की कमी हो गई है। ऐसे में संकल्प लिया गया है कि संगठन के माध्यम से ब्लड इकट्ठा करके जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। इसी के साथ में मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब कोरोना पीक पर था तब किसी भी कांग्रेसी ने लोगों की मदद नहीं की। चमोली में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने सेवा ही संगठन है अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत ब्लड बैंक मेडिकल कॉलेज के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर नवीन वत्सल की देखरेख में कई लोगों ने रक्तदान किया। इसी के साथ में उनका कहना है कि कोरोना महामारी से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं सुरेंद्र हेत्रा चमोली से समय में खड़ा हूँ पिंडर घाटी के प्रवेश द्वार नारायणगढ़ विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ पर आज जो यहाँ पे युवाओं के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है और ये भारतीय युवा मोर्चा जो प्रदेश संगठन है उनके आह्वान पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और यहाँ पर लगभग 20 युवाओं ने अभी तक जो रक्तदान यहाँ पर किया है। और ये इनका जो ये कहना है, जो इनसे हमने बातचीत की, इनका ये कहना है कि कोरोना काल में किसी भी
जरूरतमंद को खून की कमी ना होने 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 पाए, और इसलिए वो यहाँ पर रक्तदान का जो आयोजन शिविर का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो हम इनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि जो आप लोगों ने इतना रक्तदान महादान किया है वो आपके जो रक्त है वो जरूरतमंदों तक जरूर पहुँचे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्राइम टीम। हरिद्वार के सिडकुल थाना स्थित एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई, साथ ही कंपनी के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद किया है। सिडकुल थाने में कल सुबह लगभग 10 बजे हमारा थाने में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का ब्रॉड डेड हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में, हरमिला हॉस्पिटल में जो है। तत्काल रूप से मौके पर पंचायत वगैरह वर्कर जो है फिर थाने में जो जांच करने में जो है उनका भाई जो है उसका आरोपी निकल गया है, उसको गिरफ्तार करके आगे। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में जिला पंचायत संजीव चौहान द्वारा लाखों की लागत में सड़क निर्माण का काम करवाया जा रहा है। इसी सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी है। गुणवत्ता की कमी की वजह से जिला पंचायत सदस्य ने ग्रामीणों को जिम्मेदारी सौंपी है। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता को चेक किया जा रहा है ताकि लंबे समय तक सड़क चल पाए। सरदारगंज के एक अस्पताल में विधायक माननीय सौरभ बहुगुणा ने अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि काफी दिनों से मशीन खराब पड़ी होने की वजह से मरीजों का इलाज होने में दिक्कत हो रही थी। अब अल्ट्रासाउंड मशीन के लगने से मरीजों को सुविधा मिलेगी। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में कोविड कर्फ्यू के बीच भी अवैध शराब की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है और शराब तस्करों को रोकने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया है। इस चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 6 पेटी शराब के साथ में गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया है और पकड़े गए तस्कर की निशानदेही पर कई और पेटी शराब को बरामद किया गया है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।